अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हरीम फारूक। और जिस तरह आपको याद होगा कि 2018 में हम अवार्ड्स के लिए आखिरी दफ़ा टोरंटो में मुलाकात हुई थी सबसे, इस साल 2022 में हम फिर मिलेंगे। 24 सितंबर को वी विल बी होस्टिंग द 8th हम अवार्ड्स इन द फर्स्ट ऑन्टेरियो सेंटर इन टोरंटो। प्लीज़ बाय योर टिकट्स राइट नाउ, क्योंकि जो मज़ा हमें 2018 में आया था वही मज़ा हमें 2022 में भी आना चाहिए। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. अभी के अभी जाइए और फौरन अपने टिकट्स बुक कराइए ताकि 24 सितंबर को 2022 में हम आपसे फिर मिलें। मुझे उस दिन ही तुम्हारा साथ देना चाहिए था जिस दिन तुमने अदनान से अलहदगी का फैसला किया। माफ कर दो अपने बाप को, मैंने अपने खून को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। यानी तुम मुझे ठुकरा रहे हो नान? नहीं, मैं तब तो अपनी बीवी को अपना चुका, और बेहतर यही है कि तुम भी यह हकीकत तस्लीम करो। कोई मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ पैसे कमाता है। पैसे कमा के लाना सिर्फ नहीं होता पिति, बाहर के काम मर्द संभालता है, घर की जिम्मेदारी औरत उठाती है, तो अल्लाह का हुक्म है। ये सब कुछ बताकर मुझे सजा देना चाह रहे? आप अदनान का कल थी और मैं आज हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी, उसका कल भी मैं थी, उसका आज भी मैं, और उसका आने वाला कल भी मैं ही। अभी परसों ही मिले हैं हम, ग्रे कलर का सूट पहना था और मेरी फेवरेट कलर की टाई। मुलाकात थी हमारी। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे अपनी कुकी के लिए अच्छा लगना खुशी देता है। मक्खन भी लगाए जा रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। हो सकता है दाल पूरी काली, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस दाल को जला दूं। तुम भी ना कुछ अभी भी वैसी तो कुछ ना। You're right. I'll see you in the evening. Not evening, in the night. कुछ काम ज़्यादा है। Okay? जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? नहीं, और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ। बात खत्म हो गई अब बस। अभी तो बात शुरू हुई है। अदनान ने मुझे कहा है जब उसे उसकी असल कुकी मिल रही है तो उसे परछाई के साथ जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है, जिसे उसने बतौर सब्स्टिट्यूट अपनाया था। मैं हूँ, मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ। तुम कुकी? मैं शर्मीन। बेशक मेरी पहचान गुम हो गई होगी, लेकिन मैं किसी की परछाई बन के नहीं रह सकती। यानी सब जानने के बाद भी तुम अदनान को चिपकी रहोगी? तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? तुम्हारी जगह मैं होती तो अपना रास्ता कब का बदल लेती। और एक बात याद रखना, तुम अदनान के दिल में मेरी जगह कभी भी नहीं ले सकती। मेरी अदनान की जिंदगी में कल भी वही जगह थी, आज भी वही जगह है, और हमेशा वही जगह रहेगी। ये देखो मेरी और अदनान की तस्वीरें। मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई नहीं बदलेगी। मेरा ख्याल है अब तो मेरा चेहरा और मजीद नहीं दिखना चाहोगी। आई मे टेक योर लीव।
क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई, क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई, जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई, ये हाल दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए, ये हाल दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती, सतम ही ऐसा टूटा नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी हैं क्यों ये सांसें पराई, ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए, ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर मैं ये समझती थी कि तू अपने घर में बहुत खुश है। खुश तो थी, जानते बूझते परहेज जो खाया था। बहुत खुशकिस्मत समझती थी मैं अपने आप को। औरत के नसीब में धोखा खाना लाजिम, कभी जानते बूझते हुए और कभी अनजाने में। बस अब और नहीं,
जब तक मुझे ये नहीं पता था तो ठीक था, मगर अब और नहीं। लेकिन क्योंकि मैं बच्चों की खातिर फिर भी कहूंगी कि भूल जाओ। उनका क्या होगा, उनका कोई कसूर नहीं। तो आपको लगता है कि ये फैसला मेरे लिए आसान है? क्या मुझे मेरे अपने बच्चों की परवाह नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे भी ये मुश्किलों भरी जिंदगी तकलीफ दे रही है। ये सारी तकलीफें उस लम्हे में हार जाती हैं जिस लम्हे में मुझे अदनान की जिंदगी में अपनी जगह पता चली थी। क्योंकि औरत की जिंदगी में ऐसे कई जालिम मोड़ आते हैं जब उसे अपने बच्चों की खातिर अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं। तू भी भूल जा, देख हम ऐसे ही बसते हैं। भूलना पड़ता है, माफ करना पड़ता है। सबर कर ले। सबर ही तो करी थी पुप्पो, सबकी मलामत सुन के भी मैंने तो असलियत नहीं खोली, मगर भूल जाना मेरे बस में नहीं। पर बच्चों का क्या होगा? क्या होगा, जहां वो रहते हैं वहां पे ये सब कुछ मामूली सी बात है। किसी की शक्ल ना पसंद हो तो उसे अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। वहां घर टूटना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। शायद एक दिन मेरे बच्चे भी समझ जाएंगे बुको। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। ऐब आप में था हमीदार, इतने सालों से इसकी सजा तो मुझे देते रहे। प्लीज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे नहीं मिलना। बस एक बार मिल लो, प्लीज, फॉर द सेक ऑफ आवर लव वंस यू हैड फॉर मी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? ताकि एक दूसरे की तन्हाई बांट सकें। उसकी फिक्र मत करो तुम, उसके लिए मेरी बीवी है। वो बीवी जो तुम्हें तन्हा कर गई, जो तुम्हें छोड़ गई, जाने दो उसे, वो तुम्हारे लायक थी नहीं। एक मिनट। हाँ, वो तुम्हारे घर वालों और मोहल्ले वालों से पता किया। शट अप, झूठ मत बोलो। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती। अब पता चला कुकी गई नहीं है, उसके कानों में तुमने जहर भरा है। ये है तुम्हारी हाइपोथेटिक।
एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर अदान, छोड़ दो उसे, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। खुश उनके साथ रहा जाता है जिनसे मोहब्बत है, और मुझे तुमसे नफरत है। Now get the hell out of my life. और अगर आज के बाद मुझसे रابطہ करने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदनान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अदनान। मैं खुद गर्ज हो गई थी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अदनान मुझे माफ कर दो। Never, not in my life. अदनान। मैंने आखिर किया क्या है कि आप मुझसे नहीं अपने दिल से पूछे? जब कोई औरत अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकालती है तो वो ये फैसला बहुत पहले ही कर चुकी होती है अलविदा। अब इसकी वजह तो सिर्फ तुम जानते हो कि उसने ये फैसला क्यों किया। ध्यान किधर है तुम्हारा, क्या हुआ है? मेरी दोस्त की लाइफ बहुत क्राइसिस में है। अच्छा, ओके। उसका शौहर उसे चीट कर रहा है किसी और औरत के साथ। इस तरह के छोटे मोटे अफेयर तो मत चलाते रहते हैं। छोटा मोटा अफेयर नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है, शादी से भी पुराना। क्या आप मुझे मिस करेंगे? नो। वैसे चेहरे के साथ क्या मिस करूंगा? Look at yourself. तो फिर एक बार कह के दिखाएं। क्या? That you will miss me. जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था के भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे। नान, आप जो भी समझ रहे हैं ना उसे सच मान लें और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। मेरा रूठा मिला था कोई झूठा, कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था, दर्द जुदाई होने लगी है क्यों ये सांसे पराई, ये हाल दिल हम कह बिना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए, ये हाल दिल हम कह बिना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। तुमने बहुत अच्छा किया अदनान जो आ गए, हम लोग सब मिलके कुकी से बात करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से उसके खानदान के लोगों को भी साथ ले लेते हैं, सब मिलके दबाव डालेंगे तो ज्यादा असर होगा। अभी वो आया है, उसे कुछ देर आराम कर लेने दो, सुबह उठ के ही बात कर लेंगे कि इस मामले से कैसे निपटना है। बात सही कह रहे हैं अम्मी। हाँ मगर अम्मी, मैं अपनी बीवी को लोगों के दबाव में आके नहीं जाऊंगा, ये मामले प्रेशर के जरिए हल नहीं होंगे। लेकिन बेटा, जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है तो फिर तुम क्यों तकलीफ उठाओ? अदनान, मुझे तुम ये बताओ कि कुकी की नाराजगी क्या वाकई बिला वजह? फिर आपने वही बातें शुरू कर दी। भाई बीच में मत बोलो। लेकिन पूछने दें। हाँ बेटा, इस हंगामे के पीछे क्या वाकई कुकी की गलती?
नहीं है, इस सारे हंगामे के पीछे कुकी की गलती नहीं है। वो बेकसूर, गलती मेरी है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे खैर पहले ही पता था कि कुकी ऐसी नहीं है। नहीं, ये क्या किया अदनान, तुमने तो मेरी कुकी के सामने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मैं उस बेचारी को खामखा कोसने देती रही। अम्मी, इसे एहसास तो हो गया ना। अदनान, तुम फौरन जाओ और कुकी को वापस मनाकर इस घर में लेकर आओ। मैं तुम्हारी शक्ल उस वक्त तक नहीं देखूंगा जब तक कुकी तुम्हें माफ नहीं कर देगी। अदनान दोबारा वापस आया पाकिस्तान, माशाल्लाह से बहुत फर्मा बरदार लड़का। वही तो, वरना कौन बर्दाश्त करता है आज के दौर में। दुआ करो जो कुछ भी हो मेरी बेटी के हक में बेहतर हो, बड़ा कठिन वक्त गुजारा है उसने। आपने फिर वही बातें दोहराना शुरू कर दी। अगर फिरोजा के ससुराल में वो इंतकाल ना होता और तारीखें आगे ना बढ़ती ना, तो हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाता। अरे हम किस किस को जवाब देते, क्या क्या कहते। दुनिया की छोड़ो, तुम अपनी बेटी की खुशियों को देखो ना। हम किसी का खाने जाते हैं, ना कोई हमें खाना देता है, और ना हम किसी को जवाब देते, समझ गए आप। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और क्या कह सकते। अब मुझे आप सब लोग ये बताएंगे कि कौन से फ्रूट्स हैं जो सीजन में आते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट आता है। किसी को नहीं। ओके, सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है। पता नहीं कौन सा दौर समझती है पप्पू, जो इस तरीके से दरवाजा खुला छोड़ती है। पता नहीं बहुत दूर से आया हूँ तुमसे बात कर, बात के बगैर जाऊंगा नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जब तक बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा कुके। अदनान मत पुकारे मुझे इस नाम से। मेरा नाम कुकी नहीं है। और कितना ड्रामा करेंगे आप, सारी दुनिया के आगे आपने ये प्रूफ तो कर दिया है कि आप बहुत ही डिवोटेड, प्यार करने वाले, चाहने वाले शौहर हैं, और मैं ही एक नाशुक्री हूं। और क्या चाहते हैं आप, सारी उम्र धोखा देते रहे हैं आप मुझे, मेरी जिंदगी एक झूठ बना दी, नाम तक किसी और की खैरात। इतना झूठ, इतना फ्रॉड, आपको शर्म नहीं आई मुझे वापस बुलाते। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है कुकी। मैंने कहा ना कुकी नहीं हूं मैं, शर्मीन नाम है मेरा, शर्मीन। इतना झूठ, इतना धोखा। कुकी वो थी जिसने आपको मेरी सारी जिंदगी की डिक्टेशन दी। तुम इमोशनल हो गई, ठंडे दिमाग से सुनोगी तो कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सुबह सुबह कौन दुकानें बंद करता है, बड़ी मुश्किल से दुकान खुलवा के लेके आई हूँ। अरे शर्मीन तुम आ गई, आपने ऐसी तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, मैं भी ग्लास में ना डाल के लाती हूँ बर्फ के साथ। अदनान आप यहाँ से चले जाएं, मुझे मजीद आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर शौक से दो दिन यहीं पर रहे हैं, जब सर से भूत उतर जाएगा तो चले जाइएगा। मोहब्बत है, भूत नहीं है जो सर से उतर जाएगा। दो साल भी यहाँ रहना पड़ा ना तो रहूंगा तुम्हारे। अरे कौन कहाँ जा रहा है, मैं कहीं नहीं जाने दे रही तुम्हें। फुपू, क्या फुपू, दामाद है हमारा भाई, पहली दफा आया है, थोड़ी सी खातिर मुदारे तो हम करेंगे।
शर्मी। चलो तुम तो आओ ना, आओ आओ। मैं छोड़ देता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। इतने अरसे से खुद ही जा रहे हैं, अब वैसे भी यहाँ पे दो दिन के लिए। मैंने दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ दिया। मैं दूसरा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में हमेशा दूसरी भी। छोड़े प्लीज, प्लीज मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी था। प्राउड ऑफ यू, मेरी बीवी एक एंटरप्रेन्योर बन गई, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। वाकई सारी जिंदगी तो आपने कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की। पता है क्या अदनान, आप अपनी ये खोखली बातें ना अपने पास ही रखें। भाई आपने आने में बहुत देर कर दी है, ऑर्डर वैसे ही लेट हो गया। ये लीजिए, ये ऑर्डर दे दीजिएगा, उसके बाद दूसरा ऑर्डर है तो वो फिर करने आ जाएगा, लेकिन टाइमली, और कॉल करके पूछ लीजिएगा। भाजी इस ऑर्डर पे तो इसी घर का एड्रेस। इसी घर का ऑर्डर? मैंने ऑर्डर दिया। ये आपका? कितने पैसे हो? 500 रुपए। अरे अदनान, पैसों की क्या जरूरत है, घर की बात है। ये लो। ये?
आप जाके चेक करें वहां। बड़े दिनों से बेगम के हाथ का खाना नहीं खाया था मैं, इसलिए। ये दे दीजिए। भाई लगाते हैं लगाते हैं। हाँ, हरी मिर्ची थोड़ी सी और। भाई और खाओ ना। बहुत मजा आया, बहुत मजे का खाना। तुम्हारी बेगम ने बनाया था, मजे का तो होगा। मुझे नहीं पता था कि नाराजगी में बीवियां ज्यादा मजेदार खाना बनाती। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि ऑर्डर आपने किया है। वैसे भी ये मेरा प्रोफेशन है और मेरी नई पहचान। शर्मीन को मीठा लाओ। अगर वो नहीं जाता तो? शर्मीन कहाँ है? अरे वहां चली गई। शर्मीन यहाँ हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। अरे आपको पता तो है मैं हमेशा यहीं पे नाश्ते के बाद चाय पीने के लिए आती हूँ। अच्छा वो मैंने खाना तैयार कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया है वो बाजी आके कर लेंगे। अच्छा सुने, वो मैंने चाय बना के रखी है, असल में अदनान बैठी लेते हैं तो प्लीज उनको जाके वो दे दीजिएगा। क्यों, मैं उसे क्यों चाय देखी हूँ? वो समझा करे ना। जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है, खुद ही दो। शर्मीन अदनान आया हुआ है, छुट्टी कर लो। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? वो तुमसे मिलने आया है, तुमसे बात करना चाहता है। बात उनके साथ की जाती है जिनके साथ कोई ताल्लुक रखना है। जब मुझे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर मैं रुकूं क्यों? जब नाखून बड़े होते हैं ना तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं। अगर बदगुमानी है तो बदगुमानी दूर करो, रिश्ता क्यों खत्म कर रही हो तुम? कुकी चली गई? हाँ वो तो चली गई, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। कुकी,
रुके। क्या हुआ अदनान, क्यों चीख रहे हो? जी नहा रहा था, पानी खत्म हो गया, सर पे शैम्पू लगा हुआ है। पानी खत्म हो गया, कराची शहर है, टाइम देख के नहाया जाता है यहाँ जब पानी आ रहा हो। अब क्या करूँ? अच्छा रुको तुम, मैं जाके हम साय से दो बाल्टी पानी मांग के आती हूँ, लग रहे दे दे वो पानी। माफ करना, ऐसी तकलीफ के तुम आधी तो नहीं होगे। पानी, अच्छा ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। कुकी के लिए तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत झेलने के लिए। अदनान इस बार आ गए हो तो शर्मीन को अपने साथ वापस लेके ही जाना। लेने ही आया हूँ, साथ लेकर ही जाओ। शुक्रिया। शर्मिन आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे इंसान है, आपने पहले क्यों नहीं मिलवाया? एक्चुअली आना कम होता है यहाँ से, दैट्स इट। इट वाज नाइस टू मीट यू। चलें।